मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। राहुल गांधी की पदयात्रा, कमलनाथ का संकल्प, नया साल परिवर्तन का आगाज करेगा। पूरे देश में कांग्रेस इस बार दिखाई देगी। बात की जाए रीवा की, तो रीवा में विकास के नाम से केवल यहां लोगों के साथ छलावा किया गया। विकास क्या होता है ये हम बताएंगे। परिवर्तन से संकल्प की शुरुआत, नया साल नया संकल्प नई सरकार, कहा शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने रीवा के जलसा इन बारात घर में नव वर्ष मिलन समारोह में कांग्रेस के। हम आपको बता दें, पिछले कई सालों से शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह नव वर्ष में कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू लगातार इस तरीके के कार्यक्रम करते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ वैसा ही किया, लेकिन बड़ी बात रही, मंच तो मिला कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को, लेकिन नहीं मिला तो माइक। आज मौका था युवाओं को सुनने का, युवाओं ने अपने मन की बात कही। वरिष्ठ नेताओं के बीच में इस तरीके से माइक मिलना युवाओं को बेहतर लगा। गुरमीत सिंह मंगू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कमलनाथ जी के संकल्प को लेकर कांग्रेस इन दिनों चल रही है। वहीं उन्होंने रीवा के विकास को आड़ों हाथ लेते हुए कहा, जो कुछ भी विकास रीवा में हुआ वह पूर्व के कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी की देन है। आज जो विकास बताया जा रहा है वह ओवरब्रिज है, जहां से केवल चार पहिया वाहन में सवार लोग ही गुजर सकते हैं। ना तो एक भी कारखाने लगे, ना एक भी कॉलेज खोले गए। जब युवा बेरोजगारों के लिए पढ़ने के लिए नए कॉलेज नहीं, काम करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद काम करने के लिए कोई कारखाने नहीं, आप सोच सकते हैं किस तरीके से विकास हुआ। ठेले वाले और साइकिल वालों के बस की बात नहीं, यह तो विकास नहीं केवल दिखावा है। अब नया साल नई सरकार होगी, सुनिए गुरमीत सिंह मंगू क्या कुछ कह रहे हैं। परिवर्तन के संकल्प की शुरुआत नए साल में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस का झगड़ा और कांग्रेस परिवार की एकता, ये मैसेज है। भारत जोड़ो यात्रा देश के अंदर नफरत को भगाने, देश जोड़ने राहुल गांधी जी निकले, तो हम सारे लोग नव वर्ष में मिल के कांग्रेस लोग एकता के सूत्र बन के कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी के झंडे को और कांग्रेस के विचारों को आगे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। ये संकल्प नवंबर 2023 में कितना कारगर हो पाएगा, क्योंकि परिवर्तन की बात शुरू कर दी नए साल में आपने, और नए साल में चूंकि कांग्रेस पार्टी ने भी परिवर्तन की बात शुरू कर दी, नया साल नई सरकार तमाम चीजें, तो ये मैसेज नवंबर तक कितना कारगर हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और विकास पुरुष दोनों, भारतीय जनता पार्टी से अलग हट के विकास पुरुष चलते हैं, क्योंकि उनकी एक अलग दुनिया है। उन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके जेब में है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें आईना दिखाया और 2022 के मेयर के चुनाव में भी जनता ने उन्हें आईना दिखाया। अब बात वो विकास की करते हैं, तो मैंने आज सवाल है अमित जी कि बड़ी पुल जब बनी तब राजेंद्र शुक्ला जी शायद 14-15 साल के रहे होंगे, और जब बिछिया पुल बनी तब राजेंद्र शुक्ला जी 6-7 साल के रहे होंगे, टाफी खाते रहे होंगे। तो गोविंदगढ़ से आने वाले जो हमारे साथी थे, गांव के लोग थे उस जमाने में जब कांग्रेस की सरकार थी आज़ादी के बाद, तो आप समझिए कि बिछिया पुल का विकास, बिछिया पुल बनाने का उस समय का स्ट्रक्चर खड़ा करना कितना बड़ा भारी काम रहा। तो वो तो टाफी खा रहे थे तो उन्होंने देखा नहीं, बड़ी पुल का विकास उन्होंने शायद नहीं देखा, उन्होंने विकास देखा छोटी पुल का। छोटी पुल का विकास ऐसे देखा कि अर्जुन सिंह जी, श्रीनिवास तिवारी जी ने भैयालाल शुक्ला जी को कांग्रेस के रिजिम में ठेकेदार बनाया, सिंगरौली में भी ठेकेदार बनाया और रीवा में भी ठेकेदार बनाया, तो उन्होंने छोटी पुल का ठेका लिया। तो छोटी पुल का विकास राजेंद्र शुक्ला जी से पूछे किसका है, श्रीनिवास तिवारी जी का है, अर्जुन सिंह जी का है कि नहीं है, उनका विकास कहाँ है? ना छोटी पुल में है, ना बड़ी पुल में है, ना बिछिया पुल में है। उनका विकास है, उनका विकास ओवर ब्रिज के अंदर चार पहिया वाहन से जो लोग चलते हैं उनके लिए है, लेकिन क्या एक रिक्शा वाला ओवर ब्रिज के ऊपर से जा सकता है?
नहीं जा सकता। क्या एक साइकिल चलाने वाला ओवरब्रिज से जाएगा, वो थक जाएगा, उसको अटैक आ जाएगा, वो अस्पताल के अंदर भर्ती हो जाएगा। तो उन्होंने जो विकास किया वो आर्थिक रूप से संपन्न लोगों का विकास किया, और हम जिस विकास की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी जिस विकास की बात कर रहे हैं, वो गरीब की बात कर रहे हैं। जिस तरह 100 रुपये यूनिट बिजली का बिल, जिस तरह वृद्धा पेंशन की बढ़ोतरी, जिस तरह विधवा पेंशन की बढ़ोतरी, जिस तरह किसानों के ऋण वाले, ये सारी बातें हम बिल्कुल सहज और विनम्रता से कह रहे हैं। और राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी आपका जो विकास हुआ है इसको स्वीकार कीजिए कि आपके बुजुर्गों का विकास कांग्रेस ने किया है, और आपने अपना विकास किया है रीवा जैसे पुनर्गतरीकरण योजना को लाकर, कुछ ठेकेदारों, चंद ठेकेदारों को लाकर, लेकिन एक साइकिल वाले का, एक रिक्शा वाले का, एक झोपड़ी वाले का, एक बस्ती वाले का विकास नहीं किया।